खुश हो तैयार तबीयत की है तैयार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस क्या हाल है उम्मीद है खुश और खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ एक और न्यू व्लॉग में। आप देख रहे हैं भाई कहाँ घूम रहा है। हाँ मैं घूम रहा हूँ लेकिन बॉर्डर के नज़दीक ये गांव है काठेरीवेरी वहाँ पर मैं घूम रहा हूँ। यहाँ पर था एक मेला था तो रात में यहीं पर आया था, लाइटिंग अच्छी नहीं थी इस वजह से वो मेला मैं नहीं दिखा सकता। तो अभी सुबह के तकरीबन 6:30 बज रहे हैं तो मैं काठे की वेरी जो बॉर्डर के नज़दीक ये गांव है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और बिल्कुल रेत के टीले पर अभी मैं खड़ा हूँ और कुछ मनाजर जो मज़ार के मनाजर हैं वो आपको मैं कोशिश करूँगा दिखाऊँगा आपको। ये है मज़ार जो सामने आप देख सकते हैं, काफ़ी पुरानी मज़ार है और छोटा सा गांव है काठे की वेरी और इस साइड कब्रिस्तान है और सामने छत पर देखे मोर। रात तकरीबन अच्छा बॉर्डर की जो लाइटिंग थी काफ़ी नज़र आ रही थी, मोबाइल में मैंने कोशिश की कैप्चर कर लो मगर काफ़ी दूर थी इसलिए वो नज़र मोबाइल में तो नज़र नहीं आई। तो रोशनी काफ़ी थी बॉर्डर की लाइटिंग। तो ये नज़दीक जो गांव होते हैं काफ़ी ऐसे नज़दीक जो गांव होते हैं वहाँ पर बिजली की ज़रूरत ही नहीं होती है। जो भारत की जो लाइटिंग है वो इतनी लाइटिंग होती है जो बिल्कुल पाकिस्तान में आप किताब पढ़ सकते हैं, इतनी जो बॉर्डर के जो नज़दीक गाँव हैं उसमें काफ़ी रोशनी होती है। तो ये बॉर्डर से तकरीबन 15 या 20 या 40 किलोमीटर ये दूर है ये गाँव है काठे की वेरी, वहाँ पर हम मौजूद हैं। ये जो आप मज़ार देख रहे हैं ये सैयद पीर आली शाह के नाम से यहाँ पर मौजूद है। इस मज़ार पर हम आए थे, यहाँ पर था मेला लगा था इस वजह से हम यहाँ पर आए थे। और सैयद पीर आली शाह की जो मज़ार है एक भारत में भी है, इंडिया में भी वहाँ पर भी मज़ार है, इस नाम से भी है जो पीर पचमाई के खानदान वाले हैं वो संभालते हैं। सैयद पीर आली शाह के नाम से वहाँ पर भी मज़ार एक मौजूद है जी। तो यहाँ पर चाचा वगैरह बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश हो तैयार हो? खैर क्या कड़ा लो, खुश हो तैयार? तबीयत की है सही है? तो यहाँ पर मेला लगा था, इतनी खास और रश नहीं है, इतना बड़ा भी मेला नहीं है, अपने हिसाब से सही है। ये जो गांव है बॉर्डर के नज़दीकी गांव है, ये मिठाई है ताज़ा ताज़ा मिठाई निकाल रहे भाई, कपड़े वगैरह हैं, इतना खास बड़ा मैदान नहीं है। तो बच्चे वगैरह खिलौने वगैरह खरीद रहे हैं। अब ये दुकान वाले भी, ये भी अभी वापस जाने वाला, मेला एक दिन लगता है। इस गांव में हम खड़े हैं, ये इस गांव का नाम बगल नाव है गांव का, छोटी सी मार्केट वगैरह है, छोटा सा स्टॉप है कह लो, बगल गांव है।
वक्त मौजूद हैं खीमे पापा। काफ़ी इस गांव में फैसिलिटी है और यहाँ पर एक पुलिस थाना भी मौजूद है, यहाँ का टाउन कमेटी है वो भी यहाँ पर है। अच्छा गांव है माशाल्लाह, बड़ा एक गांव है खीमो का पार जैसा गांव का नाम है। बड़ी बड़ी मार्केटें भी हैं यहाँ पर। खीमे पार नायली तालके में ये आता है, बड़ा गांव है जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, कुछ हिंदू भी रहते हैं यहाँ पर। माशाल्लाह बहुत अच्छा गांव है। मगर यहाँ पर ख़ास तौर मैंने गांव विज़िट किया है और भी मैंने रास्ते पर कहा है, काफ़ी ऐसे गांव है यहाँ पर पानी की काफ़ी दिक्कत है, काफ़ी ऐसे गांव है यहाँ पर भी दिक्कत है पानी की। माशाल्लाह अच्छा अपने हिसाब से गांव है, अच्छे लोग हैं यहाँ के। खीमे पार गाँव का नाम है। इस गांव में आने जाने के दो रास्ते हैं, आप देख सकते हैं। इसमें टाउन मौजूद है, टाउन कमेटी मौजूद है इस गांव में, और इस साइड मार्केट है, बड़ी मार्केट है। मैं खुद परेशान हूँ इस गांव में इतनी ज़्यादा फैसिलिटी देखी। माशाल्लाह अच्छा गांव है, मुझे बहुत अच्छा लगा इस गांव में आकर। खीमे को बार मैंने काफ़ी दिन हुए थे, कभी गया नहीं था यहाँ पर। इनके बाद मैंने सोचा कि ये नायली ताल का है, साइड चक्कर लगाया जाए, विज़िट किया जाए इस गांव को। ये खीमे गोपाल टाउन कमेटी है। ये अभी कुछ इमारतें बन रही हैं, ये मुकम्मल बन गई है। यहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल भी वगैरह हैं यहाँ पर, और पुलिस थाना भी है। ये मार्केट है देखिए आप, माशाल्लाह। यहाँ पर बिरयानी वाला भी है, शॉप भी है, काफ़ी दुकानें बंद है। बंद इस वजह से हैं, अभी ईद चली, ईद का तक तीसरा दिन लग रहा है चल रहा है, इसलिए दुकानें काफ़ी बंद है। ये देखें, काफ़ी सरकारी इमारतें यहाँ पर मौजूद हैं। इस गांव में काफ़ी फैसिलिटी है, बहुत अच्छा गांव है। और ये भेड़ें जा रही है, अगर चैनल पर नहीं हुआ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये है पुलिस थाना, अब चलते हैं बंगल की तरफ। खीमे पार घूमने आप चलते हैं क्या बंगल की तरफ, उसके बाद बंगल की तरफ बाहर चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। खुश हो तैयार हो? हाँ हम शाम को पहुंच चुके थे छाछरो सिटी, तो इस वजह से अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। इस्लामपुर सिटी जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा गांव था खीमे पार। ऐसे काफ़ी गांव थे जो अच्छे गांव थे माशाल्लाह। वहां पर पानी की ज़्यादातर किल्लत है, पानी के ज़्यादातर मसले हैं, और भी काफ़ी मसले हैं जो हल होने चाहिए, मगर वहाँ पर इतने वसाइल नहीं हैं जो हल हों मुझे लगता है। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं।